ओम शांति। आज 28 अगस्त 2022 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 16 मार्च 1992 को सुनाए थे। आज की मुरली का शीर्षक है होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं। आज स्टेज पर बहुत सुंदर बगीचा सजाया हुआ है, तो एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता और दूसरे तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। ड्रामा में आदि काल सतयुग में प्रकृति की सतोप्रधान सुंदरता, आप मास्टर आदि देव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है। सतयुग के सुंदर सतोप्रधान प्रकृति को देखने का सौभाग्य भी आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होता है, अर्थात हमें ही प्राप्त होता है। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो, लेकिन आदि काल और अंतिम काल में कितना अंतर है। आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतोप्रधान सुंदर होगा। वहां के बगीचे और यहां आपके बगीचे में कितना अंतर है। वह रियल खुशबू अनुभव की है ना। शुरू शुरू में जो ट्रांस में जाते थे, कई दिनों तक बाबा उनको वतन में और सतयुग के दृश्यों का अनुभव कराते थे, तो उसमें उन लोगों को वहां की रियल खुशबू प्रकृति की जो होती थी वो भी अनुभव होती थी। इसलिए बाबा कहे वह रियल खुशबू अनुभव की है ना। फिर भी प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। प्रकृति पति हो इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। प्रकृति जब खेल करती है तो बाबा कहे उसको देखकर हर्षित होते हो। चाहे प्रकृति हलचल करे चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखते हो। खेल में मजा लेते हैं, घबराते नहीं है ना। पूछते बाबा कि खेल में मजा लेते हैं घबराते नहीं है, इसीलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो यह स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है। अचल आसन अच्छा लगता है ना। कोई भी बात हो जाए चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते। बाबा कहे चाहे प्रकृति हो कोई व्यक्ति हो, दोनों मिलकर के भी अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते। इतने पक्के हो ना या अभी होना है। पूछते बाबा इतने पक्के हो या अभी होना है। प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी है और माया के भी 5 खिलाड़ी है। तो बाबा कहे प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी है और माया के भी 5 खिलाड़ी है। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानते हो ना। खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या। कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है कभी कोई सामने आ जाता है। आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने के बहुत शौकीन है ना। कितना प्यार से खेल देखते हैं। वो है पुरानी दुनिया वाले और आप हो संगम योगी ब्राह्मण आत्माएं।
तो खेल देखना एंजॉय करना है या घबराना है? कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मजा आता और विजय प्राप्त करता हुआ देख भी मजा आता है। तो यह भी बहुत बड़ा खेल है। बाबा के सिर्फ आनंद कैसे लेना है इस बड़े खेल में? सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो, बस साक्षीपन के आसन को नहीं छोड़ो, बस इतना भी कोई हिलाए लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती। तो बाप दादा आज हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे? यह भी अच्छा सजाया है। मेहनत करने वालों की कमाल अच्छी है। छोटा सा कार्य किया स्टेज सजाने का, बहुत सुंदर बगीचे के रूप में, लेकिन भगवान किसी ने छोटा सा भी कार्य क्यों न किया हो उसको भी एप्रिशिएट करता है और उन्हें जैसे संतुष्टि प्रदान करता है कि आपने जो कुछ किया बाबा के लिए किया, बाबा की याद में किया, इसलिए कमाल है। तो बाबा कहे यह भी अच्छा सजाया है, मेहनत करने वालों की कमाल अच्छी है। इतना निर्माणता भगवान की ही हो सकती है, किसी मनुष्य की नहीं। लेकिन बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं। वैरायटी तो है ना, कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है रूप भी है, और कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे, कोई सिर्फ रंग रूप वाले। रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया है, रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया है। कौन सा रंग और कौन सा रूप है? तो बाबा कहे क्योंकि बाप के संग का रंग तो सबको लग गया है, संग का रंग है। कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्ट नहीं भी हो, कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टता नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है। इसीलिए रंग सभी में आ गया है, तो संग का रंग सभी में आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया। रूप कौन सा है? ये ब्राह्मण स्वरूप। रूप भी परिवर्तन हो गया है क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई। बल कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा है लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है। क्या आ जाता है रूप में? बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्मा की चमक, चेहरे की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है। इसीलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है। खुशबू नंबर वार है। खुशबू किस चीज की है? बाबा कहे खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, तन से ब्रह्मचारी बनना इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। मन से भी ब्रह्मचारी हो अर्थात मन भी सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए, तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कार में भी ब्रह्मचारी, इसकी परिभाषा अति प्यारी और अति गुह्य है। इसका विस्तार फिर सुनाएंगे, इसकी गहराई और विस्तार बाबा कहे फिर सुनाएंगे। आज तो होली मनानी है ना, गुह्य पढ़ाई नहीं है। आज पढ़ाई का दिन नहीं, होली मनाने का दिन है।
आज मनाना है। होली मनाने वाले कौन है? बाबा पूछते, होली मनाने वाले कौन हो? होली हंस हो। होली हंस कितने प्यारे हैं। हंस सदा पानी में तैरने वाले होते हैं। होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हैं। होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हो, उड़ने वाले और तैरने वाले। दुनिया के हंस भी उड़ने वाले भी होते, तैरने वाले भी होते। तो बाबा कहे, ये होली हंस भी उड़ने वाले और तैरने वाले। आप सभी भी उड़ना और तैरना जानते हो ना? ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। और उड़ना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना, दोनों जानते हो ना? सभी के मन में बाप से प्यार तो 100% से भी आगे है। और बाप का प्यार, बच्चों का प्यार तो है ही, लेकिन बाबा का प्यार कितना है? बाप का प्यार भी हर एक बच्चे से, चाहे वह गिरता है चाहे चढ़ता भी है, खेल करता है, फिर भी बाप का प्यार है। बाप खेल देखकर समझते हैं कि यह थोड़ा नटखट बच्चा है। सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते हैं ना? कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक होते हैं, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं। फिर भी है तो बच्चे ना। बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। बाबा कहे, बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। जैसे आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है, तो बाप के लिए बच्चे प्यारे हैं। इतना प्यार करते बच्चे, कैसा भी बच्चा हो। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते हैं। कैसा भी बच्चा हो तो भी बाबा दिल शिकस्त नहीं होते। यही तो बाबा का प्यार है। सदा शुभ उम्मीदें रखता है। अगर कोई किनारा भी कर लेते हैं, फिर भी बाप दादा उसमें भी उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जैसे शारीरिक हिसाब किताब में कोई ज्यादा बीमार भी हो जाता है, उनको ठीक होने में भी ज्यादा समय लगता है। और जो थोड़ा समय बीमार होता है वह जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन है तो बीमार, कैसा भी बीमार हो, स्थूल रीति प्रमाण भी बीमार से कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती है। सदा उम्मीद रखी जाती है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इसलिए बाप दादा कोई भी बच्चे से ना उम्मीद नहीं होते, न दिल शिकस्त होते, ना उम्मीद होते। सदा शुभ आशाएं रखते हैं कि आज थोड़ा सा ढीला है, कल होशियार हो जाएगा। जब मंजिल एक है, बाप एक है, तो कहां जाएंगे सिवाय बाप के? फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाप से ही मिलना है। चाहे बाप को गाली भी दे तो भी बाप मुक्ति का वर्षा तो दे ही देंगे। कितना प्यार करता है, गाली देने वाले को भी मुक्ति का वर्षा तो दे ही देंगे। सारे विश्व की सर्व आत्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलना है। क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो, बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते हैं। बाबा सृष्टि पर अवतरित हो और बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते। बाप को वर्षा देना ही है, चाहे लेवे चाहे नहीं लेवे, बाप को तो देना ही है। और सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिला है, तब तो बाप कहकर पुकारते हैं ना। बाप का अर्थ ही है वर्षा देने वाला। चाहे किसी भी धर्म में चले गए हैं, फिर भी फादर कह याद तो करते हैं ना।
एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रह नहीं सकती। तो साकार सृष्टि पर पार्ट बजाते बच्चों को वर्षा न दे तो बाप कैसे कहेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो, पहचान से लेते हो, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। चाहे निमित साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते, योग बाप से लगाते हैं। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं, बाप को याद करो, यानी कहते मुझे याद करो। कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा और कोई संबंध में मिल नहीं सकता है। सिर्फ बाप ही वर्षा देने वाला है, सखा सखी कोई वर्षा देने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा कहे बाप के फुल वर्षा और कोई संबंध में मिल नहीं सकता। आप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों कालों में प्राप्त करते हो। अभी भी वर्षा मिल रहा है ना, शक्तियों का गुणों का वर्षा मिल रहा है, मिल गया है। और मुक्ति धाम में भी कहां रहेंगे, समीप रहेंगे ना। तो अभी भी वर्षा मुक्ति धाम में भी है और फिर 21 जन्मों का भी वर्षा है। तो तीनों कालों में वर्षे के अधिकारी बनते हो। लोग कहते हैं ना आप सबको, बाबा कहते लोग कहते हैं ना आप सबको कि आपकी जीवन मुक्ति से हमारी मुक्ति अच्छी, आप तो चक्कर में आएंगे, हम तो चक्कर से छूट जाएंगे। आप फलक से कह सकते हो कि मुक्ति का वर्षा तो हमें भी मिलेगा, लेकिन हम मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे, डबल मिलता है। मुक्ति धाम से वाया तो करेंगे ना, तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान और फिर मृत्यु के बाद और फिर नया शरीर लेते तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हो। इतना नशा है, तीन तीन वर्षे के अधिकारी बन जाए तो बाबा के उसको तो कितना नशा रहना चाहिए। आज होली मना रहे हो ना, होली जलाई भी जाती है और मनाई भी जाती है। पहले जलाई जाती है फिर मनाई जाती है। होली मनाना अर्थात कुछ जलाना और कुछ मनाना। जलाने के बिना मनाई नहीं जाती। तो दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपनी कमजोरी को जलाना है, तब मनाने की मौज अनुभव कर सकेंगे। अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज का अनुभव सदा काल नहीं रहेगा। होली शब्द में ही जलाना भी है, मनाना भी है, दोनों ही अर्थ है। होली शब्द तो पक्का है ना, तो होली अर्थात होली बीती सो बीती, होली अर्थात होली बीती सो बीती, हो गई बात पूरी, हो गई जो बात गुजर गई उसको कहते होली। ये बात होली, जो होना था वो होली। तो बीती को बीती करना माना होली जलाना। और जब बाप के सामने आते हो, बातों को समाप्त करके जब बाप के सामने आते हो तो कहते हो मैं बाप की होली, हो गई। तो मनाया भी और होली बीती सो बीती। बीती को भूल जाना यह जलाना। तो एक ही होली शब्द में जलाना और मनाना है। गीत गाते हो ना, मैं तो बाप की होली, पक्के हो ना, क्योंकि बाप दादा ने सबका तपस्या का पोता मिल देखा। पूरा साल तपस्या मनाया तो बाबा ने सबका तपस्या का पोता मिल देखा। तपस्या अगर कभी भी कम हुई तो उसका कारण क्या बना? बीती को बीती करने में बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगर छोटी सी गलती करते हो, है छोटी
लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है। वह क्या गलती करते हो? जिसको भुलाना है उसको याद करते हो और जिसको याद करना है उसको भुला देते हो। तो भुलाना आता है ना। बाप को भूलने नहीं चाहते हो तो भी भूल जाते हो, जिसको याद करना है उसको भूल जाते हो। और जिस समय भूलना चाहिए पुरानी बातों को, उस समय क्या कहते हो? भूलना चाहते लेकिन भूलते नहीं, बार बार याद आ जाता है। तो याद करना और भूलना दोनों ही बातें आती है, लेकिन क्या याद करना है और क्या भूलना है? जिस समय भूलना है उस समय याद करते हो, और जिस समय याद करना है उस समय भूल जाते हो। छोटी सी गलती है ना, तो इसको होली कर दो, यानी जला दो, बातों को जला दो, भुला दो, अंश से खत्म कर दो। ज्ञानी तू आत्मा तो हो, बाबा कहे ज्ञानी तू आत्मा हो ना। ज्ञानी का अर्थ ही है समझदार, और आप तो तीनों कालों के समझदार हो, इसलिए होली मनाना अर्थात इस गलती को जलाना। जो भूलना है वह सेकंड में भूल जाए, और जो याद करना है वह सेकंड में याद आ जाए। जो भूलना है सेकंड में भूल जाए, और जो याद करना है वह सेकंड में याद आए। कारण सिर्फ बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क है। क्यों सोचा और क्यों शुरू हो जाती है। ऐसा वैसा क्यों क्या, बड़ी क्यों शुरू हो जाती है। सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से क्यों लंबी हो जाती है, और बिंदी लगा दो तो क्या होगा? आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और व्यर्थ को भी बिंदी, फुल स्टॉप। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। इसको कहा जाता है होली, इसको कहा जाता है होली, फुल स्टॉप लगाना, बस उसके बाद एक संकल्प नहीं, उसको कहा जाता है होली। और इस होली से सदा बाप के संग के रंग की होली, मिलन होली मनाते रहे। सबसे पक्का रंग कौन सा है? यह स्थूल रंग भल कितने भी पक्के हो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे पक्का रंग है बाप के संग का रंग। तो इस रंग से मनाओ। आपका यादगार गोप गोपियों के होली मनाने का है। उस चित्र में क्या दिखाते हैं? बाप और आप दोनों संग संग होली खेलते हैं। एक एक गोप व गोपी के साथ गोपी वल्लभ दिखाते हैं। तो यह संग हो गया ना। साथ व संग अविनाशी होली है। बाप के संग के रंग की यादगार होली रास के साथ के रूप में दिखाई है, इसलिए होली के बाद जैसे महारास। तो बाप के संग के रंग की यादगार होली रास के साथ के रूप में दिखाई है। तो होली मनाने आती है ना। यह हो गया, क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। आज से इसकी होली जलाओ, समाप्त करो। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी संकल्प में भी यह सोच नहीं सकते। अच्छा, फिर बाबा डबल विदेशी ग्रुप को देखते हैं। डबल विदेशी भी अच्छी सेवा की वृद्धि में आगे बढ़ रहे हैं। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है। सेवा अर्थात स्व और सर्व आत्माओं की साथ साथ सेवा, स्व और सर्व आत्माओं की साथ साथ सेवा। पहले स्व, क्योंकि स्वस्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति। सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति। ऐसे कभी नहीं कहो
कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व के स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। एक तरफ कमाया, दूसरे तरफ गवाया, तो बाकी बचा क्या? इसलिए जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। इसको अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज्यादा और सफलता कम मिलती है। अधूरा हो गया ना? इस ग्रुप के चार्ट में भी सेकंड नंबर ज्यादा है। तपस्या के रिजल्ट इस ग्रुप के भी बाबा सुनाते हैं कि इस ग्रुप के चार्ट में भी सेकंड नंबर ज्यादा है। फर्स्ट भी कम है तो चौथा पांचवा भी कम है। सेकंड तक गए हैं तो सेकंड के बाद आगे क्या है? फर्स्ट है ना? सेकंड तक कदम रख लिया है, बाकी अभी एक कदम फर्स्ट में रखना है। उसकी विधि है कंबाइंड स्वरूप की सेवा। सेकंड से फर्स्ट में जाने की विधि है कंबाइंड स्वरूप की सेवा। बच्चे सेवा का भी प्लान बना रहे हैं ना? बाप दादा ने तो इशारा दिया ही था कि अभी समय प्रमाण, सेवा जो की वो बहुत अच्छी की। इससे बाप को अपने को प्रत्यक्ष किया, वायुमंडल और वाइब्रेशन परिवर्तन हुआ, स्नेही और सहयोगी आत्माएं चारों ओर काफी संख्या में नजदीक आई। अभी ऐसी सेवा करो जो एक द्वारा अनेकों की सेवा हो। सारे विश्व को संदेश देना है, एक एक को संदेश देते जो राजधानी में आने वाली आत्माएं हैं, वो अपना भाग्य बनाकर आगे आ गई है। लेकिन अभी तो संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज्यादा है। राज्य फैमिली में आने वाले व राज्य तख्त पर बैठने वाले दोनों ही अच्छे निकाले हैं। राज्य अधिकारी भी आप लोग ही बनेंगे ना? आप बनेंगे या औरों को बनाएंगे? औरों को राज्य अधिकारी बनाएंगे और आप क्या बनेंगे? अच्छा, कल्प पहले का वर्षा लेने के लिए नए नए बच्चे भी पहुंच गए। इसके लिए बाप दादा वेलकम कर रहे हैं और नए बर्थ के बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा से निमित्त बनने वाले सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले होली हंस आत्माएं, सदा तीनों काल के वर्षे के खुशी में रहने वाले सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले ऐसे सदा विजयी सदा उड़ती कला वाले सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से परहेज करना।
आप सबने पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनने से ही महान आत्मा बन गए। आज का स्लोगन है, अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है, रियल डायमंड। अच्छा, ओम। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.